फ्रेंड्स, जितना हम अपनी दुनिया और आसपास को जानने की कोशिश करते हैं उतना ही सरप्राइज होते हैं। कुछ ऐसे ही 10 सरप्राइजिंग फैक्ट्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, आई एम वैष्णवी एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल माइंड सेक नॉलेज। फ्रेंड्स, यहां हम बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की, तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल अर्थात झरना वेनेजुएला में है। इसकी कुल ऊंचाई 3212 फीट है। इस वाटरफॉल को मिड 20 सेंचुरी में एंजल वाटरफॉल के रूप में जाना जाता है। ये नाम एक अमेरिकी एविएटर जिमी एंजल के नाम पर रखा गया है, जो फॉल के ऊपर उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति थे। दोस्तों, हनी बी से हमें हनी तो मिलता ही है, लेकिन कई बार हनी बी का डंक भी मिलता है। क्या आपको पता है कि डंक मारने के बाद हनी बी मर जाती है, क्योंकि हनी बी जब डंक मारती है तो दूसरे जीव की बॉडी में हनी बी का डंक घुस जाता है। डंक के साथ ही हनी बी के इंटरनल ऑर्गन भी निकल आते हैं, जो डंक से जुड़े होते हैं, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। फ्रेंड्स, न्यू ईयर को हर कोई अपने तरीके से सेलिब्रेट करता है। कोई पार्टी करता है, कोई नए रेजोल्यूशन बनाता है, लेकिन डेनमार्क में लोग एक दूसरे के घर के दरवाजों पे प्लेट्स फोड़ते हैं। उनका मानना है कि जिसके दरवाजे पे प्लेट्स फोड़ी गई हैं, उनको बहुत से न्यू फ्रेंड्स मिलेंगे। जापान में तो बुद्धिस्ट टेम्पल में 108 बार टेम्पल की घंटी बजाई जाती है। ऐसा वो न्यू ईयर के गॉड तोशिगामी का वेलकम करने के लिए करते हैं। अगर चीन, अमेरिका और ब्राजील की पॉपुलेशन को मिला दिया जाए तो आपको पता है ये किसके बराबर होगी? फ्रेंड्स, वो कोई कंट्री नहीं है। फेसबुक यूजर की संख्या चीन, अमेरिका और ब्राजील की टोटल पॉपुलेशन से ज़्यादा है। अगर आप फेसबुक यूजर नहीं हैं तो आप उन लोगों में से हैं जिनकी संख्या लगातार कम हो रही है। 2 बिलियन एक्टिव यूजर का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अकाउंट है। फेसबुक के को फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने ये माइलस्टोन अचीव करने के बाद पोस्ट किया था, वी आर मेकिंग प्रोग्रेस कनेक्टिंग द वर्ल्ड एंड नाउ लेट्स ब्रिंग द वर्ल्ड क्लोजर टुगेदर। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक अडल्ट में कितनी बोन्स होती हैं, तो आप कहोगे 206। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक न्यू बॉर्न बेबी में 300 तक बोन्स होती हैं? जी हाँ, 300, जो एडल्ट होते होते आपस में जॉइंट होके 206 रह जाती हैं। ब्राज़ील के साओ पाउलो से 150 किलोमीटर दूर स्थित एक ऐसा द्वीप है जहाँ पर हर कदम पर एक दो नहीं बल्कि दर्जनों में सांप घूमते हैं। दुनिया के इस खतरनाक द्वीप का नाम इला दे क्वाइमाडा ग्रैंड है। इस द्वीप को अब लोग स्नेक आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। इस द्वीप पर 4000 प्रकार के अलग अलग सांप पाए जाते हैं। ब्राजील सरकार ने लोगों को इस द्वीप पर जाने से पाबंदी लगा दी है। सबसे खतरनाक बात ये है कि यहाँ पर रहने वाले सांप अपना शिकार हवा में उड़कर भी कर लेते हैं। खतरनाक और विषैले सांप जो हवा में उछलकर चिड़ियों का शिकार कर लेते हैं। ब्राज़ील के इस द्वीप पर पाए जाने वाले सांपों का विष दुनिया के अन्य सांपों की तुलना में 5 गुना ज़्यादा जहरीला होता है, जो इंसानों के मांस को भी गला देता है। फ्रेंड्स, आई नो कि आप लोगों को सनग्लास अच्छे लगते होंगे। आज सनग्लासेस तेज धूप से हमारी आंखों को होने वाले नुकसान से तो बचाते ही हैं, साथ ही सनग्लासेस एक फैशन एक्सेसरी भी हैं। लेकिन सबसे पहले सनग्लास का इस्तेमाल 12th सेंचुरी में चीन में हुआ था। ये स्मोकी क्वार्ट्ज के होते थे। चाइनीज जज कोर्ट में गवाहों से पूछताछ के टाइम अपने फेस के एक्सप्रेशन को छुपाने के लिए सनग्लास का इस्तेमाल करते थे। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में सारे मॉड्यूल एंड ऑपरेशन रशियन में होते हैं। ISS में जाने वाले सभी अंतरिक्ष यात्रियों को रशियन बोलने का तरीका पता होना चाहिए। कुछ अंतरिक्ष यात्रियों ने दावा किया है कि इस नई भाषा को सीखना उनकी ट्रेनिंग का सबसे बड़ा चैलेंज है। अकॉर्डिंग टू द US स्टेट डिपार्टमेंट फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट, इंग्लिश स्पीकिंग एस्ट्रोनॉट्स को रशियन ठीक ठाक सीखने के लिए 1100 ओवर क्लास लेनी पड़ती है। यह आमतौर पर फ्रेंच, स्पेनिश और डच जैसी अन्य भाषाओं को सीखने में लगने वाले टाइम का डबल है। फ्रेंड्स,
आपने कौन से साइज का पिज्जा खाया है, स्मॉल, मीडियम या लार्ज। लेकिन आज जिस साइज के पिज्जा की बात कर रही हूँ वो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग अब तक का लार्जेस्ट पिज्जा है, जिसका साइज 1261.65 स्क्वायर मीटर यानी 13,580.28 स्क्वायर फीट है। इसको डोविलियो नार्डी, एंड्रिया मानोची, मार्को नार्डी, मैटियो नार्डी और मैटियो जियानोटे ने इटली रोम में एनआईपी फूड में दिसंबर 2012 में बनाया था। इस पिज़्ज़ा का नाम ऑटेविया रखा गया था। फ्रेंड्स, आपने टेडी बियर तो देखा ही होगा, ये हर किसी के घर पर मिल ही जाता है। क्या आपको पता है कि इसे टेडी बियर ही क्यों कहते हैं? टेडी बियर का नाम राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट, जिन्हें टेडी रूजवेल्ट भी कहते थे, के नाम पर रखा गया है। जब उन्होंने शिकार पर पकड़े गए एक काले भालू को मारने से इनकार कर दिया था। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग मी। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।